राजस्थान के पोकरण से 77 मजदूरों को प्रशासन ने गुरुवार की शाम सरस्वती शिशु मंदिर में बनाए गए अस्थायी कैंप में रोका। गीता भवन न्यास ने सभी के भोजन की व्यवस्था की। SDM एकता जायसवाल के निर्देश अनुसार बड़नगर सिविल हॉस्पिटल की टीम डॉक्टर देवेंद्र स्वामी के नेतृत्व में सभी मजदूरों और बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण सुबह 11 बजे किया गया। डॉक्टर देवेंद्र स्वामी के अनुसार सभी का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया। सभी मजदूर आगर, मालवा, देवास, शाजापुर जिले के रहवासी हैं। उनकी स्क्रीनिंग और जांच कर नाम और मोबाइल नंबर सहित सूची तैयार की गई है। उन्हें सरस्वती शिशु मंदिर के वाहनों से शासन द्वारा उनके क्षेत्र तक पहुंचाया गया। SDM एकता जायसवाल द्वारा संबंधित क्षेत्र के SDM को मजदूर भेजे जाने की सूचना, मजदूरों के नाम भेजे जाने की सूचना मजदूरों के नामों के साथ दी गई है और उनको 14 दिन क्वारंटाइन करने का निर्देश भी दिया गया है। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।